किसानों की एकता के सामने झुकी सरकार, मुकदमे वापस लेने का दिया आश्वासन। तय कार्यक्रम के अनुसार हिसार में आज किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नादल उर्फ बल्लू प्रधान दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान बल्लू प्रधान ने कहा कि किसान मुकदमे खारिज करवा कर ही हिसार से वापस जाएंगे, इसके लिए चाहे उन्हें हिसार में कितने ही दिन रुकना पड़े। जब तक सरकार किसान और मजदूरों पर किए गए मामले खारिज नहीं करेगी, किसान वापस नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए सरकार द्वारा किसान व मजदूरों पर दर्ज किए गए मुकदमे एक महीने के अंदर अंदर वापस करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि टिकरी सिंगू के बाद हिसार में भी एक मोर्चा चलाएंगे, जिसको लेकर हिसार प्रशासन दबाव में आया और उन्होंने मुकदमा खारिज करने का किसानों को आश्वासन दिया। वह इस दौरान उगालन गाँव के एक किसान की मौत को लेकर भी ये कहा गया कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर किसान सहमत हो गए और वह वापस मेयर टोल पर धरने के लिए चले गए। बल्लू प्रधान ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द व MSP रेट तय नहीं करेगी, तब तक उनका आंदोलन यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। हमारे किसान मजदूर भाइयों पर जो बीजेपी सरकार ने जेजेपी सरकार ने केस बांधे हुए है, उस विषय में हमने यहाँ क्रांति पार्क में हिसार में एक महापंचायत बुला रखी है और हम गांव गांव जाकर दौरा कर करें। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि 15-20 दिन से हम घूम रहे थे। हमने सारी अपनी कामयाबी पूरी करने के लिए, जब तक ये हमारे केस वापस नहीं करेगी सरकार, तब तक हम हिसार के अंदर से वापस दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। देखो जी, आज हमने हिसार में एक महापंचायत बुलाई थी, जो हमारे किसान मजदूर भाइयों पर केस बांध रखे हैं, उन्हें या तो प्रशासन वापस ले ले, अगर प्रशासन के सरकार इन केसों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की तरह हिसार में भी अपना धरना चालू कर देंगे और अपने केस वापस, भाइयों केस वापस करवाकर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, नहीं तो हम हिसार के अंदर ही बैठे रहेंगे। और हमारे पास कुछ वीडियोस आई थी, और जो किसान नेता हैं वो बात मानते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, हम कोई किसान नेता नहीं है, हम किसान के बेटे हैं। आज सबसे पहले यू हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे, पूरी पंचायत के आगे जहाँ कहेंगे सबसे आगे ये भाई अड़ेगा और ये केस वापस करवा के सारे वापस आएगा जी। सर, पुलिस प्रशासन ने जो अपना समझौता हुआ था के साथ में केस वापस लेने वाला, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो जी, हमारे नेता थे जो उस दिन फर्क रह गया, अगर हम लगत रूप ले लेते तो हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आती, हमने लगत रूप नहीं लिया। अब तक तो हम सरकार को ही ये मान रहे थे कि सरकार झूठे तो घोषणा देकर उठा देती है, पर लेकिन साथ में प्रशासन भी मिला हुआ है। अब हम यहाँ से लिखित रूप ले गए, केस वापिस करवा गए, तब हम यहाँ से वापिस अपने दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। धन्यवाद जी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।